हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे माय टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ एसेट। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन केस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एसेट। एसिड हैव सावर टेस्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हियर वी विल डिस्कस ए न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, फिफ्थ पॉइंट। मतलब ऑलरेडी मैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट फोर प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ए न्यू प्रॉपर्टी ये मीन्स फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज द एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, टू प्रोड्यूस CO2 एंड साल्ट। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो यह प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और गैस को, और उसके साथ साथ फॉर्मेशन करेगा किसका, साल्ट का। बताओ कैसे। हियर वी विल एक्सप्लेन सम केमिकल रिएक्शंस अबाउट व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल कार्बोनेट Na2CO3, इट इज द मेटल कार्बोनेट बिकॉज सोडियम इज द मेटल, CO3 इज द कार्बोनेट, मेटल कंटेन विद द कार्बोनेट। Na2CO3 रिएक्ट विद द एसिड 2HCl। इफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इफ K2CO3 इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल कार्बोनेट, MgCO3 इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल कार्बोनेट, अंदर एग्जाम्पल Li2CO3 इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल कार्बोनेट। ओके, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये सब मेटल कार्बोनेट। इफ रिएक्ट विद द 2HCl या H2SO4 या प्लस HCl 2HCl या प्लस HCl, इसके साथ भी रिएक्शन दिखा सकते हैं, यानी टू K2CH2SO4 में, तो Na2CO3 प्लस 2HCl, तो देन 2NaCl एंड प्लस CO2 एंड प्लस H2O, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर का फॉर्मेशन किया। पोटेशियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो K2SO4 एंड प्लस CO2 एंड प्लस H2O, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल हुआ, साल्ट बना, साल्ट के साथ वाटर भी बना, टू प्रोड्यूस CO2 एंड साल्ट, एंड यहां पे तब लिख सकते हैं एंड वाटर, क्योंकि वाटर भी तो बन रहा है इसके साथ साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो वाटर को तो लिखना ही पड़ेगा हमको। MgCO3 प्लस 2HCl लिखो यहां पे बैलेंस करके, MgCl2 एंड प्लस H2O एंड प्लस CO2, इसको भी बैलेंस करके लिख सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, 2HCl से रिएक्शन करा दो, तो 2LiCl एंड प्लस CO2 एंड प्लस H2O। तुम्हारे बुक में
एक या दो एग्जाम्पल्स के फॉर्म में रिएक्शन दिए होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन को लिख दिया है, बहुत सारे रिएक्शन के साथ हमने इसके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। जिंक कार्बोनेट का देख सकते हैं ZnCO3 एंड प्लस H2SO4 का रिएक्शन दिखा दो यहाँ पे, तो क्या बनाएगा ये, कुछ सोचिए अपने मन से, ZnSO4 एंड प्लस H2O एंड प्लस CO2, जिंक सल्फेट बना दिया। तो एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 सिर्फ मेटल कार्बोनेट ही क्यों, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करके बना सकता है, CO2 साल्ट और वाटर बना सकता है। अब मेटल बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कौन से लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल विथ बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, ये तो कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, याद रखना कि इसको क्या बोलते हैं हम, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट एंड प्लस HCl, तो देन फॉर्मेशन ऑफ द NaCl एंड प्लस CO2 एंड प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O बना दिया। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं KHCO3 अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, लिख सकते हैं यहाँ पे HCl, तो देन फॉर्मेशन ऑफ द KCl एंड प्लस CO2 एंड प्लस H2O, इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा जो कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करके साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक इसमें भी वही प्रोसेस होगा कि अगर मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का ही फॉर्मेशन इसमें भी होगा। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सपेरिमेंटल के रूप में आप लैब में इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, कुछ टेढ़ा लग रहा है क्या, खींचती है इसको, एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए,